गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनी मैम. टूडे आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर क्लास फिफ्थ एंड आवर नेक्स्ट चैप्टर इज द नाउन एंड नंबर्स. नाउन एंड फर्स्ट टू वन पर्सन एनिमल और थिंग वी से डैट नाउन इज इन सिंगल सिंगुलर. जब नाउन मीन्स टू से एक अगर किसी एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, किसी एक वस्तु को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या है, सिंगुलर नाउन है. उसका मतलब क्या होता है, सिंगुलर नाउन है. व्हेन ए नाउन रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन, यदि कोई नाउन एक से ज़्यादा चीज़ों को रिफर कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो मीन्स टू से दिस इज द प्योरलर नाउन. ठीक, तो आप हम आज सीखेंगे कि सिंगुलर को नाउन को किस तरह से प्योरलर नाउन में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं. ठीक, तो आप यहाँ अपनी बुक में चैप्टर 3 ओपन कर लीजिए और देखिए फॉर्मेशन ऑफ द प्योर सिंगुलर से प्योरलर में चेंज किया जाता है, ये आज हम आपको बताएंगे. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. देखिए, कुछ नाउन तो सिंपल होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो उनको आप जैसे यहाँ पे है सिर्फ सिंपली हम एस ऐड कर देते हैं. क्या ऐड कर देते हैं, यस, ये एस हमने ऐड कर दिया. जैसे आपका है चेयर, चेयर्स. ठीक है, और इसी तरह आपके और एग्जांपल्स हैं जैसे कि पिक्चर, पिक्चर्स. पिक्चर है, आपको इसको प्योरलर बनाना है, ये पिक्चर्स हो गया. ठीक, ये तो आपका सिंपली ही असाइड करने का है, इससे सिंगुलर से प्योरलर बनने का. लेकिन कुछ और हैं जिसमें आपको क्या वहाँ पे कहीं ई एस लगता है, कहीं आई ई एस ऐड हो जाता है, तो उसके रूल्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है. पर देखिए, सेकंड रूल क्या है, इफ़ अ नाउन एंड, क्या है, एंड मीन्स समाप्त हो. किससे समाप्त हो, एस से समाप्त हो, डबल एस से एंड एस एच ए. तो आपका देखिए नाउन किससे, या फिर एस से, डबल एस, या फिर एस एच. ठीक, या फिर सी एच. तो हम क्या करेंगे, जब हमारा नाउन इन सब चीज़ों से ऐड हो, एंड होगा, समाप्त होगा वो लेटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई एस को ऐड करेंगे. जैसे आप देखिए बस है, तो देखिए यहाँ पे एस आया है, तो ये आपका बसेस हो गया. ठीक, और इसी तरह आपका देखिए एक विश है, विश, डब्ल्यू आई एस एच. देखिए एस एच आ गया ना, एस एच, तो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई एस ऐड करेंगे प्योरलर बनाने के लिए. डब्ल्यू एस एच ई एस, विशेज हो गया. ठीक, इस तरह से आपका लास्ट में और क्या आया है, सी एच आया है. तो जैसे चर्च हुआ, चर्च, सी एच यू आर सी एच, चर्च. तो इसमें भी देखिए सी एच आया है, सी एच से एंड हो रहा है मेरा दो ये लेटर, तो ये क्या हो जाएगा, सी एच यू आर सी एच ई एस, चर्चेज. ठीक, तो ये आपका ये रूल्स है. देखिए इसमें हमारा नाउन जब इससे, एक बार फिर से देखिएगा, यस, डबल एस, और या फिर एस एच, या फिर सी एच से एंड होता है, समाप्त होता है कोई वर्ड, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे ई एस जोड़ के उसको प्योरलर बनाएंगे. समझ में आ गया आपको. थर्ड देखिए, इफ ए नाउन एंड इन वाई, अगर हमारा कोई वो लेटर, कोई वर्ड, कोई नाउन किससे समाप्त होता है, लास्ट लेटर क्या आता है, वाई आता है, तो आप क्या करेंगे, उसके पहले कोई कंसोनेंट आता है, वाई के पहले कोई कंसोनेंट आए, हमारा लेटर किससे समाप्त हो, वाई से समाप्त हो, जो हमारा वर्ड है किससे समाप्त हो, Y से, लास्ट में उसका लेटर क्या रहे, Y रहे, और उसके पहले, Y के जस्ट पहले क्या आए, कोई कंसोनेंट आए. कंसोनेंट जानते हैं ना, वॉवेल कंसोनेंट जानते हैं, A E I O U, ये आपके 5 वॉवेल होते हैं. बाकी आपको जो A E I O U को छोड़ देंगे, तो बाकी जो आपका बचेगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, कंसोनेंट कहलाएगा. तो कंसोनेंट, अगर आपका ये Y के पहले कोई कंसोनेंट आता है, तो आप उसको क्या करेंगे, वहाँ पे वाई को हटा देंगे, वाई को रिमूव कर देंगे, और वहाँ पे आई ई एस जोड़ देंगे. जैसे बेबी है, बी ए बी वाई, देखिए बेबी है, तो यहाँ पे देखिए बी वाई, वाई के पहले क्या आया है, बी क्या है आपका कंसोनेंट है, बी आपका क्या है कंसोनेंट है, और ये देखिए हम इसको वाई को इसको रिमूव कर देंगे. अब इसको हम बनाएंगे बी ए बी आई ई एस, वाई को हटा दिए, वाई की जगह क्या लगा दिए, आई ई एस, क्या लगा दिए, आई ई यस. इसी तरह आप लेडी देख लीजिए, एक और एल ए डी वाई, देखिए वाई है और इसके पहले क्या है, डी कंसोनेंट है, डी,
ठीक, तो आप क्या बना देंगे इसको, एल ए डी आई ई एस, लेडीज। ठीक, इसी तरह आपका फिर आया है इफ ए नाउन एंड इन वाई, यदि कोई आपका नाउन वाई से फिर उसका वो वर्ड खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, और लेकिन उसके पहले क्या आ रहा है, कोई वॉवेल आ रहा है, जो मैंने बताया था ए ई आई ओ यू, ये आपसे उससे पहले आ रहा है, तो आप उसमें ये वाला ये देख के मत ऐड कर दीजिएगा कि यहाँ वाई था तो आई ई एस जोड़ दिया, और इसमें भी वाई है लास्ट में तो इसको भी जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे उसके पहले आपको देखना चेक करना होगा कि वाई से पहले आपका वॉवेल है कि कंसोनेंट है, अगर कंसोनेंट है तो आपका क्या जुटेगा, आई ई एस जुटेगा, वाई को रिमूव कर देंगे, और लेकिन अगर वॉवेल है तो आपको क्या जुटेगा वहाँ पे, वहाँ पे जैसे देखिए बॉय बी ओ वाई, और यहाँ पे वो क्या है आपका वॉवेल है, तो यहाँ सिंपली एस ऐड हो जाएगा, प्यूलर बनाने के लिए क्या ऐड हो जाएगा, एस ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ट्वाय, तो क्या हो जाएगा इसका प्यूलर, ट्वाइस। ठीक, इस तरह से, तो इसमें ये आप अगर आप इसको अगर ऐसे लिख देते हो टी और वाई को रिमूव करके आई ई एस लिख देते हो, क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये फोर रूल्स मैंने बताया है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और अपने मन से हर रूल्स के पांच पांच वर्ड्स लिख के उसका प्यूलर बनाइएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।